हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन बताऊंगा जो आपको अंडर 25,000 रुपीज में देखने को मिलेंगे। या दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी स्मार्टफोन बता रहा हूँ जो आपको मिड रेंज बजट में फ्लैगशिप लेवल फीचर के साथ में देखने को मिल जाएंगे, इसमें आपको बेस्ट कैमरा फोन, बेस्ट गेमिंग फोन और बेस्ट ऑलराउंडर फोन भी देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इसमें आपको जो फीचर देखने को मिलते हैं बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस 144Hz रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड डिस्प्ले, मीडियाटेक डायमेंसिटी 925G प्रोसेसर, 108MP क्वाड कैमरा सेटअप और 32MP सेल्फी देखने को मिल जाएगा। और इसके लिए फ्रंट कैमरे से आप 4K तक की वीडियो भी शूट कर सकते हैं। उसी साथ में इसमें 5000mAh की 1 वीक बैटरी और 120W तक का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा। फीचर वाइज दोस्तों, ये सारे स्मार्टफोन आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेंगे और इन सारे स्मार्टफोन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके परचेस कर सकते हैं। इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप वहां से भी जाके जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका बजट 20,000 रुपीज या 50,000 या 10,000 रुपीज है और उस बजट में आप एक बेस्ट फोन लेना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा परचेस करें, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, जान लेते हैं कौन सा टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन है जो आज की इस लिस्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, आज की लिस्ट में जो पांचवें नंबर की स्मार्टफोन आता है आपको आईको की तरफ से देखने को मिल जाता है। तो अगर इस प्राइस रेंज पे आप एक बैलेंस फोन लेना चाहते हैं, कहने का मतलब दोस्तों आप वैल्यू फॉर मनी फोन लेना चाहते हैं, तब आप इसको ले सकते हैं। और आईको Z6 Pro 5G, अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसमें 6.44 इंच की फुल HD प्लस 90Hz रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड HDR10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले, इसमें आपको पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 778 5G प्रोसेसर, फनटच 12 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम, कोर्टेक्स A78 CPU, Adreno 642L GPU, 4700mAh की बैटरी, 66W फास्ट चार्जिंग, 64MP ट्रिपल रियर कैमरा, 16MP सेल्फी। और इसके रियर कैमरे में आपको EIS देखने को मिलता है और इसके रियर कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पे और फ्रंट कैमरे से आप 1080p पे 30fps तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। उसी साथ में इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे डुअल सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो आपको 6GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है आपको 21,999 रुपीज का देखने को मिलता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की, इसमें जो डिस्प्ले है बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, जिसमें आपको एमोलेड HDR10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको 90Hz का ही हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है, अगर 120Hz का रहता तो ज्यादा बढ़िया रहता। ओवरऑल दोस्तों, जो प्रोसेसर है उससे आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं, परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही बढ़िया फोन है। और जो इसमें आपको कैमरा दिया गया वो भी बहुत ही बढ़िया है, इसके रियर कैमरे से आप 4K तक की वीडियो शूट कर सकते हैं, फ्रंट कैमरा भी अच्छा देखने को मिलता है लेकिन आप उससे फुल HD तक ही वीडियो शूट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को नहीं मिलता है और ना ही इसमें आपको HD कार्ड का स्लॉट दिया गया है, हालांकि आपको 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है। इस प्राइस रेंज पे यहाँ पे कुछ मेजर कॉन्स इसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इसकी प्राइस है बहुत ही इफेक्टिव प्राइस पे आता है। अगर आप इसमें ऑफर्स वगैरह को लगाएंगे तो आपको 20,000 के अराउंड देखने को मिल जाता है और उस प्राइस रेंज पे बहुत ही बढ़िया फोन देखने को मिलता है आईको की तरफ से। तो बात करते हैं दोस्तों, आज के लिए जो चौथे नंबर पे स्मार्टफोन आता है आपको मोटरोला की तरफ से देखने को मिल जाता है। अगर इस प्राइस रेंज पे आप एक स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, जिसमें प्रोसेसर भी बढ़िया देखने को मिल जाए, कैमरा भी बढ़िया देखने को मिल जाए, डिस्प्ले भी अच्छी देखने को मिल जाए, तब आप इसको ले सकते हैं। फोन है मोटरोला S30 5G। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसमें 6.5 इंच की फुल HD प्लस 144Hz रिफ्रेश रेट वाली OLED HDR10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले, इसमें आपको कोनी गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 778 5G प्रोसेसर, स्टॉक एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम, कोर्टेक्स A78 CPU, Adreno 642L GPU, 4020mAh की बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा, 32MP सेल्फी कैमरा। और इसके रियर कैमरे में आपको IS देखने को मिल जाता है और इसके रियर और फ्रंट दोनों कैमरे से आप 4K तक की वीडियो 30fps तक शूट कर सकते हैं। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर जैसे फीचर भी देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो आपको 6GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है आपको 24,999 रुपीज का देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की, इस फोन में जो डिस्प्ले दिया गया उसमें आपको 144Hz का हाई रिफ्रेश रेट है। अभी तक जितने भी स्मार्ट बता रहे हैं दोस्तों, आगे भी जो स्मार्टफोन बताएंगे उसमें आपको 120Hz का ही देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको 144Hz का है। उसी साथ में जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का 778G है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है, चाहे आप गेमिंग कीजिए या डे टू डे यूज में आप कोई भी टास्क कीजिए। और इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया, जिसमें आपको 50MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है और 50MP का मेन कैमरा भी देखने को मिलता है। यहाँ पे कैमरा भी बहुत ही बढ़िया दिया गया है। इसमें आपको 4000mAh की ही बैटरी दी गई है और 33W का फास्ट चार्जिंग है, यहाँ पे बैटरी थोड़ा सा कम दिया गया है। ओवरऑल दोस्तों, इस प्राइस रेंज पे इसमें आपको जितने भी फीचर दिए गए हैं बहुत ही बढ़िया है। सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड है।
तो बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो तीसरे नंबर पे स्मार्टफोन आता है आपको सैमसंग की तरफ से देखने को मिलता है। तो अगर इस प्राइस रेंज पे आप एक बेस्ट यहाँ पे कैमरा फोन लेना चाहते हैं तब आप इसको ले सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इसमें आपको सिर्फ कैमरा ही अच्छा देखने को मिलता है, प्रोसेसर और डिस्प्ले, बैटरी बैकअप सब कुछ बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। और यह सैमसंग गैलेक्सी M53 5G। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले, जिसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, MediaTek Dimensity 900 5G प्रोसेसर, UI 4.1 बेस्ड ऑन Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम, Cortex A78 CPU, Mali G68 MC4 GPU, 5000mAh की एक बिग बैटरी, 25W फास्ट चार्जिंग और 108MP क्वाड कैमरा सेटअप, 32MP सेल्फी कैमरा और इसके रियर और फ्रंट कैमरे से 4K वीडियो 30fps तक शूट कर सकते हैं। इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो आपको 6GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है आपको 21,999 rupees का देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें भी आपको जो डिस्प्ले दिया गया है, जो बैटरी बैकअप देखने को मिलता है और जो प्रोसेसर दिया गया है, ये चीजें आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं। लेकिन जो इसमें आपको कैमरा दिया गया है, चाहे इसके रियर कैमरे की बात करें चाहे फ्रंट कैमरे की, दोनों ही आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं। दोनों से 4K तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। यहाँ पर कैमरा भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, लेकिन इसके कैमरे में आपको मेजर कॉन एक देखने को ये मिलता है, ना तो इसमें आपको EIS देखने को मिलता है ना ही OIS देखने को मिलता है। और उसी के साथ में इसमें आपको ना तो 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है ना ही डुअल स्टीरियो स्पीकर है। यहाँ पे कुछ छोटे मेजर कॉन देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल दोस्तों इस प्राइस रेंज पे आपको ये बेस्ट कैमरा फोन देखने को मिलता है सैमसंग की तरफ से। तो बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे स्मार्टफोन आता है आपको रियलमी की तरफ से देखने को मिलता है। अगर इस प्राइस रेंज पे आप एक बेस्ट गेमिंग फोन लेना चाहते हैं तब आप इसको ले सकते हैं और यह रियलमी 9 प्रो प्लस 5G। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस 90Hz रिफ्रेश रेट वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले, जिसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, MediaTek Dimensity 925G प्रोसेसर, रियलमी UI 3.0 बेस्ड ऑन Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम, Cortex A78 CPU, Mali G68 MC4 GPU, LPDDR4X RAM 2.2 का स्टोरेज, 4500mAh की एक बिग बैटरी, 60W फास्ट चार्जिंग, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा, 16MP सेल्फी और इसके रियर कैमरे में आपको OIS देखने को मिलता है और इसके रियर कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पे और फ्रंट कैमरे में आपको EIS देखने को मिलता है, जिससे आप 1080p पे 30fps तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। और उसी साथ में इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर और हार्ट रेट मॉनिटर जैसे आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं। प्राइस की बात करें तो आपको 6GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है आपको 25,000 rupees में देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें सबसे अच्छी बात यह कि इसमें आपको हार्ट रेट मॉनिटर फीचर दिया गया है। या दोस्तों वैसे मोबाइल में फीचर नहीं होता है, अगर आप स्मार्ट वॉच लेते हैं तो उसमें फीचर रहता है, लेकिन आपको मोबाइल में देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपना हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं। और उसी के साथ में इसमें आपको जो डिस्प्ले दिया गया है, जो बैटरी बैकअप दिया गया है, जो फास्ट चार्जिंग है और जो कैमरा है, ये सारी चीजें आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं। लेकिन जो इसमें आपको प्रोसेसर दिया गया है बहुत ही बढ़िया दिया गया है, जिसमें आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में आपको बहुत ही बढ़िया फोन देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको SD कार्ड का स्लॉट नहीं दिया गया है और इसके डिस्प्ले में आपको 90Hz का ही हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है। अगर 120Hz का रहता तो ज्यादा बढ़िया रहता। ओवरऑल दोस्तों इस प्राइस रेंज पे आपको एक बेस्ट गेमिंग फोन देखने को मिलता है रियलमी की तरफ से। तो बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो नंबर एक स्मार्टफोन आता है वो Xiaomi की तरफ से देखने को मिलता है। इसमें आपको जितने भी फीचर दिए गए हैं आपको एकदम टॉप नॉच देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर इस प्राइस रेंज पे आप एक बेस्ट ऑलराउंडर वैल्यू फॉर मनी फोन लेना चाहते हैं तब आप इसको ले सकते हैं और ये Xiaomi 11i HyperCharge 5G। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट वाली AMOLED डिस्प्ले, इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, MediaTek Dimensity 925G प्रोसेसर, MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, Cortex A78 CPU, Mali G68 MC4 GPU, LPDDR4X RAM 2.2 का स्टोरेज, 4500mAh की बैटरी, 120W फास्ट चार्जिंग, 108MP ट्रिपल रियर कैमरा, 16MP सेल्फी और इसके रियर कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पे और फ्रंट कैमरे से आप 1080p पे 30fps तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। उसी साथ में इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर और हाइब्रिड सिम स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो आपको 8GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है आपको 24,990 rupees का देखने को मिलता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें आपको जितने भी फीचर दिए गए हैं
आपको एकदम टॉप नॉच देखने को मिलते हैं, चाहे डिस्प्ले की बात करें, चाहे प्रोसेसर की बात करें, चाहे कैमरे की बात करें, ऐसा यहाँ पे कोई बड़ा मेजर कॉन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे एक मेजर कॉन ये है कि इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। क्या दोस्तों, इस प्राइस रेंज पे अगर इन डिस्प्ले रहता तो ज्यादा बढ़िया रहता। और उसी के साथ में इसके कैमरे में ना तो आपको OIS देखने को मिलता है, ना ही EIS देखने को मिलता है। यहाँ पे दो मेजर कॉन देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल दोस्तों, इसमें आपको 120 वाट का फास्ट चार्जिंग दिया गया है, जो कि अभी तक जितने भी फोन बताए दोस्तों सबसे बेस्ट इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 25,000 रुपीज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों वीडियो क्लास तक देखने के लिए।